वे भारतीय जनता पार्टी नेता पर्यावरण में सुधार के लिए एक आयोजन करने जा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में विदेश के भी लोग शामिल होंगे। वहीं बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने कहा कि 95% बिल्डर लोगों का उत्पीड़न करते हैं और इसी विषय पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय अग्रवाल जी। एक सवाल है आपसे कि आप जिस तरह से पर्यावरण की बात कर रहे हैं और उसको आप पूरा करना चाहते हैं, ये तो वाकई में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन अगर देखा जाए आपके NCR में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से NGT के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए कुछ बिल्डर्स यहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके लिए खुल के कहना चाहता हूं, नोएडा क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे देश में करीब 550 शाखाएं मेरी चल रही हैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा के बैनर पे। नोएडा में हमारी स्पेशल हेल्पलाइन है हर व्यक्ति के लिए, हर जनसामान्य के लिए, और ये हमने नारा अभी से नहीं बरसों पहले से दे रखा है, कोई सताए हमें बताओ। आपकी कोई भी समस्या है लिखित रूप में देखिए, मुंह से कहने से किसी को कुछ नहीं जाता, किसी के बात कह दीजिए, लेकिन अगर आप उस बात को सत्य समझते हैं तो लिखित रूप से इसकी कंप्लेन आप हमारे पास करें। इसकी NGT से लेकर जहां तक जो लड़ाई होगी, हम आपका क्या कितना बड़ा आंदोलन हमको करना पड़े, हम आपके साथ रहेंगे। हमको कोई भी बात लिखित रूप से आती है, हम उसकी जरूर जांच पड़ताल करके जो गलत होगा उसके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सदा तैयार है, सदा समर्पित है। संजय जी, क्या आपके पास भी कोई ऐसी सूचना है जो मिली हो कि बिल्डर मनमानी कर रहे हैं या NGT के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? हाँ, ऐसी कई शिकायतें हमारे पास आती हैं और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं बिल्डरों के खिलाफ। बिल्डरों तो देखिए, बिल्डर तो ऐसे करीब 90% बिल्डर इस भारत देश के अंदर जिन्होंने जनता का उत्पीड़न किया। लेकिन समझने का विषय क्या है, जिस तरीके से हम कहते हैं भाई नेता मतलब नैतिक ताकत, नेता मतलब सक्षमता, जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व में नैतिक ताकत और सक्षमता ना हो उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसी चीज को हम लोग मानते हुए जनता की सेवा के लिए सदा तैयार रहते हैं। लेकिन जनता से भी उसी तरीके से हमारी अपील है कि जनता अगर सहती रहेगी, अन्याय के खिलाफ स्वयं नहीं खड़े होगे, हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े रहने के लिए अपनी भूमिका को स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा, आगे आने पड़ेगा। ये पूरे राष्ट्र का विषय है, ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है। अगर हम अन्याय को समझेंगे, के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तो कोई आपके झगड़े में मदद करने आने वाला नहीं है। जब हम आपकी मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं तो कम से कम लिखित रूप से आप शिकायत दें, आप स्वयं आगे आए, जिसका झगड़ा वो तो साथ रहना चाहिए ना। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे संजय अग्रवाल जी, जो एक जोश से भरपूर हैं, इनकी ओजस्वी वाणी है। इन्होंने साफ कहा कि अगर कोई शिकायत हो तो आप लिखित में दो। रही बात बिल्डरों की, तो 90% बिल्डर इस देश के जो लोगों के साथ उत्पीड़न का काम करते हैं, लेकिन हम उससे निपटेंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। कैमरामैन नदीम के साथ राघवेंद्र पांडे, KNews दिल्ली।